नोकिया, वो फ़ोन जिसने सभी के दिलों पर राज किया। 10-15 साल पहले ऐसा कोई घर नहीं था जहां नोकिया का मोबाइल फ़ोन ना हो। हर जगह नोकिया की रिंगटोन और फ़ोन ऑन होने पर वो हाथों के मिलने का सिंबल। वो भला कोई कैसे बोल सकता है। पर फिर ऐसा क्या हुआ जो इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद मार्केट से नोकिया का फ़ोन ही गायब हो गया। इसका सबसे बड़ा कारण है बदलते वक्त, बदलते दौर के साथ अपने आप को ना बदलना, अप टू डेट ना होना। इस कंपनी ने मौजूदा बाज़ार को नहीं समझा। 2G के बाद जब 3G लॉन्च हुआ तो नोकिया कंपनी इसका फ़ायदा ही नहीं उठा पाई, जबकि सैमसंग, माइक्रोमैक्स, इंटेक्स जैसी कंपनियों यहाँ पे बाजी मार ली। यहाँ सबने अपने अपने स्मार्टफोन पेश किए, वही नोकिया अब भी अपने सेम फीचर पर ही अटकी रही। और इसमें भी सबसे तो ज़्यादा फ़ायदा सैमसंग ने उठाया, जिसने जल्द जल्द ही अपने अलग अलग स्मार्टफोन लॉन्च किए। जहाँ पहले नोकिया की रिंगटोन सुनने को मिलती थी, वहीं अब सैमसंग की रिंगटोन लोगों के कानों में गूंजने लगी। बाद में नोकिया ने माइक्रोसॉफ्ट लूमिया के साथ मिलकर वापस बाजार में आने की कोशिश भी की, पर तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। सभी कंपनी एंड्रॉयड फ़ोन पेश कर चुकी थी। नोकिया ने विंडो फ़ोन लॉन्च भी किए, पर उसमें ना तो इतने फीचर और उसके दाम भी बहुत हाई थे। इसके बाद भी नोकिया ने कई कोशिश की, पर वो हर बार असफल रहे, क्योंकि वो आज की तेज और बदलते युग के साथ नहीं चल पाए, वो बहुत पीछे रह गए। इसलिए हमें इससे यह सीख मिलती है कि हमें वक्त के साथ, बदलते युग के साथ बदलना भी चाहिए, वरना हम नोकिया की तरह ही कहाँ गुम हो जाएंगे हमें खुद ही नहीं पता। तो ये रही नोकिया के फेलियर होने की वजह। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।